लंकाधिपति रावण ने औरतों के बारे में कुछ बातें बताई है जो वर्तमान समय में भी बिल्कुल सही लागू होती है। दोस्तों, आपने रामायण के बारे में सुना या पढ़ा जरूर होगा और आप रामायण के ही प्रमुख पात्र रावण से बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, जो लंका का राजा था। हम सब रावण को उसके 10 सिर के कारण भी जानते हैं। यही कारण है कि रावण का नाम दशानन पड़ा था। शास्त्रों के अनुसार रावण महापंडित एवं महाज्ञानी था, जिसे हर बात का ज्ञान था। रावण इतना ज्ञानी था कि उसे पहले से ही अंदाजा लग जाता था कि आगे क्या होने वाला है। रावण अपने कई गुणों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसकी प्रशंसा हुआ करती थी। सीता मैया का अपहरण उसने अपनी मर्यादा में रहकर किया था। अपनी छाया तक सीता माता पर कभी उसने पड़ने नहीं दिया था। लेकिन रावण की एक गलती यह भी थी, उसे अपने अमर होने और सोने की लंका पर इतना घमंड होने लगा था कि खुद ही उसने अपना सर्वनाश कर लिया था। लंकाधिपति रावण ने औरतों के बारे में कही ये बातें वर्तमान में उतनी ही सच्ची है जो हमें अपने आम जीवन में देखने को मिलता है। रावण ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था कि महिलाओं से जितनी जल्दी हो सके दूरी बनाकर रहना चाहिए। दोस्तों, रावण के अनुसार एक स्त्री के अंदर बहुत लाला समाया हुआ रहता है। साथ ही रावण ने यह भी बताया है कि स्त्रियां बहुत ज़्यादा मतलबी होती है और अपने मतलब साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे उसे सामने वाले को धोखा भी क्यों न देना पड़े या किसी के रास्ते से क्यों न हटाना पड़े। ऐसे में स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती है। स्त्रियां लालची स्वभाव की होने के कारण किसी भी लालच में बड़े ही आसानी से फंस जाती है और आपको भी फंसा सकती है। इसलिए रावण के अनुसार महिलाओं से दूरी बनाकर रखना चाहिए। रावण ने यह भी बताया था कि स्त्रियां अपने किसी बात से बहुत जल्दी मुकर जाती है, ऐसे में यह कभी सच नहीं बोलती है। यही कारण है कि स्त्रियों के ऊपर काफ़ी सोच विचार करके ही पुरुषों को भरोसा करना चाहिए, कारण स्त्रियां इधर की बात उधर बहुत ज़्यादा करती है। इस तरह से लोगों के बीच कभी कभी वह झगड़ा भी लगा सकती है। ऐसे में कोर्ट कचहरी का चक्कर भी आपको लगाना पड़ सकता है। महापंडित रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले यह भी बताया था, स्त्रियों के पेट में कभी कोई बात छुप नहीं सकता है। भले ही आप स्त्रियों के कितने भी सगे संबंधी क्यों न हो, लेकिन आपका सीक्रेट वह बोल ही देगी। किसी भी बात को आग की तरह स्त्रियां फैला देती है। इस वजह से कभी भी किसी भी स्त्री को अपनी गुप्त बातें नहीं बताना चाहिए। महापंडित रावण के अनुसार महिलाएं किसी के भी बहकावे में बड़े ही आसानी से आ जाती है और किसी के भी जाल में फंस जाती है। वह दूसरे की बातों में आकर अपने ही घर का विनाश बड़े ही आसानी से कर लेती है। जब क्रोध में आती है तो सामने वाले को भी नहीं छोड़ती है।